तो गाइज कैसे आप सभी लोग गाइज आज के इस वीडियो में जो कि हम प्रॉपर जो कि जानेंगे भारत पे से आप सभी लोग लोन कैसे ले सकते हैं, जो कि मुझे लोन यहां पर दिया गया है आप सभी को लाइव प्रूफ आप सभी को दिखाएंगे, उसके साथ साथ आप कैसे अप्लाई करेंगे सारा कुछ आप सभी को हम डिटेल में बताएंगे, क्योंकि भारत पे सिस्टेंटली आप सभी को लोन यहाँ पर मिलता है। गाइज भारत पे बहुत ही बेस्ट लोन अप्लीकेशन है जो की RBI से रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, क्योंकि आप सभी को भारत पे की मदद से लोन प्रोवाइड कराया जाता है। आप सभी को मालूम ही होगा क्योंकि भारत पे ऐसा बेस्ट एप्लीकेशन यहाँ से लोन प्रोवाइड कराया जाता है, इंस्टेंटली अकाउंट में भी ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसमें बहुत सारा फैसिलिटी भी दिया गया, जो भी लोन अमाउंट दिया जाता है इस पैसों का प्रत्येक दिन चाहे तो पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि डेली बेसिस के हिसाब से इसे रीपेमेंट भी कर सकते हैं। 10,000 से लेकर पूरे 7,00,000 तक की आप सभी को लोन यहाँ पर मिलने वाला है भारत पे की मदद से। मुझे भी लोन यहाँ पर दिया गया, लाइव प्रूफ आप सभी को दिखाएंगे, लाइव आप सभी को अप्लाई करके भी दिखाएंगे। किसी तरह का एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट यहाँ पर नहीं लगेगा, पैन कार्ड आधार कार्ड है तो क्योंकि आप सभी को लोन यहाँ पर मिल जाता है, बशर्ते एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसके साथ साथ उसका डेबिट कार्ड होना चाहिए या नेट बैंकिंग होना चाहिए जिससे अकाउंट वेरिफिकेशन हो सके, क्योंकि RBI के गाइडलाइन के फॉलो के अंदर यह कंपनी काम करती, क्योंकि सारा कुछ जनरल होना चाहिए, किसी तरह का मिस्टेक यहाँ पर नहीं हो। कैसे आप अप्लाई करेंगे, कैसे आपको सारा कुछ डिटेल हम आज के इस वीडियो में बहुत कुछ जानेंगे, ताकि आपको किसी तरह से दिक्कत न हो और भारत पे से आप सभी को क्विकली लोन मिल जाए, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिया गया और आप सभी को स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ और आप सभी को अप्लाई करके भी दिखाता हूँ। तो सुगा इस वीडियो करेंगे शुरुआत, उससे पहले प्यारा वाला छोटा सा एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर पा रहे होंगे तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बाजू वाले बेल आइकन घंटी को दबाइएगा, ऑल पे आप प्रेस कर लीजिएगा। फेसबुक पे देख पा रहे होंगे तो फेसबुक को भी फॉलो कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिएगा। सो गाइस चलिए फाइनली आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज आप सभी को पता ही होगा भारत पे बहुत ही बेस्ट एप्लीकेशन है, भारत का QR कोड भी स्कैन करके जो कि आपको पैसा भी ले सकते, यानी कि अगर शॉप है तो जैसे गूगल पे फोनपे की मदद से आप लोग जैसे पैसा को रिसीव करते हो, वैसे भी आप सभी को भारत पे भी पैसा को जो कि ले सकते, यानी कि अगर शॉप है तो वहाँ से भी पैसा आप प्राप्त कर सकते हो। गाइस यहाँ से जैसे कि आप सभी को दिखा देता हूँ, जैसे कि लोन वाले सेक्शन पर भी चल के आप सभी को मैं दिखा दूंगा लोन अमाउंट जो कि मुझे कितना दिया गया लोन वाले पर चल कर आप सभी को फिलहाल मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि आप सभी को विश्वास हो सके हमने लोन ले लिया है। गाइज आप सभी को बता दूं मुझे 10,000 की लोन अमाउंट यहां पर प्रोवाइड कराया गया है और इस पैसे को हम जो कि पूरे डेली बेसिस के हिसाब से रीपेमेंट कर सकते हैं, यहां पर पूरे 6 महीने के टाइमिंग दिया जाता है, 6 महीने तक रीपेमेंट कर सकते हैं, लेकिन हम जल्दी भी चाहे तो कर सकते हैं। यहां पर डेली बेसिस के हिसाब से हम रीपेमेंट करेंगे जो कि 73 रुपये प्रत्येक दिन मुझे रीपेमेंट करना है और 98 रुपये मेरे अकाउंट में ट्रांसफर किया गया जैसे कि आप सभी को दिख रहा होगा, और EDI डेली बेसिस के हिसाब से मुझे रीपेमेंट करना है 73 रुपये के हिसाब से, ठीक है। और जो कि यह 200 रुपये प्रोसेसिंग फी कटा हुआ है आप सभी को दिखा दूँ, और डेली बेसिस के हिसाब से है तो किसी का दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आपको अप्लाई करना सारा कुछ आप सभी को डिटेल हम बताएंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट मात्र 2% के हिसाब से लग रहा है आप सभी को बता दूं, और यहां पर किसी तरह का दिक्कत नहीं होता है, और मैं आपको बता दूं फास्टली सारा कुछ सर्विस यहां पर प्रोवाइड कराया जाता है। तो गाइस यहाँ पर आपने देखा ही होगा जो कि मुझे लोन यहाँ पर दिया गया है, अब हम आपको अप्लाई करके बारे में डिटेल में बताते हैं ताकि आपको आसानी से मिल जाए। पैन कार्ड आधार कार्ड की मदद से ही लोन मिलता है और एक अकाउंट होना चाहिए जिसका डेबिट कार्ड और या नेट बैंकिंग होना चाहिए जिससे अकाउंट वेरिफिकेशन हो सके, तो भी मैं आपको बता दूं, चलिए अप्लाई करके बता दूं। आपने देखा जैसे कि मुझे लोन यहाँ पर दिया गया, आप सभी को लाइव दिखा दिया, आपको चलते अप्लाई करके कैसे आपको रखना है, कैसे आप सभी को अप्लाई करना है। तो गाइस जैसे भारत पे कोई ओपन करते ऊपर 3 लाइनिंग का आपको दिख रहा है, उस पर जस्ट नीचे आते तो लोन का सेक्शन आ जाता है, नए यूजर होंगे तो आप सभी को यहाँ पर जस्ट अप्लाई करने के लिए मिल जाता होगा, ठीक है। लेकिन मुझे लोन यहाँ पर दिया गया इसलिए मेरा सारा कुछ डिटेल यहाँ पर दे रखा, अगर आप नए यूजर है तो आप सभी को अप्लाई करने के लिए अप्लाई नाउ का बटन मिल रहा होगा, पैन कार्ड का नंबर डिमांड कर रहा होगा, ठीक है, और अप्लाई नाउ का जो कि बटन मिल रहा होगा, तो चलो वो भी आपको कैसे अप्लाई करना है यहीं से आप सभी को अप्लाई भी करना, वो भी मैं आपको डिटेल दिखा देता हूँ। तो गाइस जिस समय मैंने अप्लाई किया था उस समय वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, लेकिन आप सभी को एक वीडियो के मैं साझा कर रहा हूँ जिससे आप सभी को क्विकली अप्लाई कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर भी बताया गया, जैसे स्क्रॉल को जस्ट नीचे आते हैं यहाँ पर हाउ टू लोन अप्लाई जो कि भारत पे यहाँ पर दिख रहा होगा आप सभी को, सिंपल सा इस पर मैं क्लिक करके आप सभी को दिखा देता हूँ, सिंपल सा ही प्रोसेस आप सभी को करना, जैसे मैं आपको बताया हूँ सेम प्रोसेस आपको करना, वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना है, अच्छे से ध्यान से समझना भी है। इजी लोन आपकी हर जरूरत में काम आता है और आसानी से मिल जाता है, बस ऐप के लोन सेक्शन में अपना पैन नंबर और बिजनेस एड्रेस का पिन नंबर भरकर गेट लोन पर क्लिक करें और स्क्रीन पर दिए लोन ऑप्शंस में से मनपसंद लोन ऑफर चुनें और आगे बढ़ें। अगले स्टेप में अपना पूरा बिजनेस एड्रेस दर्ज करके नेक्स्ट क्लिक करें, फिर अपनी सेल्फी और पैन कार्ड की फोटो अपलोड कर दें,
अगर आपका आधार कार्ड पहले दिए मोबाइल नंबर से लिंक है तो जल्द लोन पाने के लिए आधार केवाईसी ऑप्शन चूज करें और स्क्रीन पर दिया कोड भरें और मोबाइल पर आया ओटीपी वेरीफाई कर दें। अगर आपका आधार मोबाइल से लिंक नहीं है तो केवाईसी के लिए ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर कार्ड जैसे किसी वैलिड फोटो आईडी की तस्वीर अपलोड करें और आगे बढ़ें। केवाईसी होते ही आपको लोन अग्रीमेंट स्क्रीन दिखेगी। यहाँ डिटेल्स पढ़ने के बाद छोटे बॉक्स पर टिक करके आई एक्सेप्ट पर क्लिक करें। अब ई नैच स्क्रीन पर अपनी बैंक डिटेल्स चेक करके नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड में से एक चुनकर सबमिट कर दें। इसके बाद आप अपने बैंक के पेज पर नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड डिटेल्स चेक कर लें। बस इसके बाद ओटीपी वेरीफाई कर दें और हो गया आपका लोन अप्रूव। अब जल्द ही लोन अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। जैसे कमाओ वैसे चुकाओ। तो गाइज आप सभी ने देखा वहाँ पर लास्ट में जो कि आप सभी को डिमांड किया होगा जो कि चॉइस जो कि डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग का जो कि डिमांड किया गया था, तो वहाँ पर आप सभी को जैसे कि मैं आपको पहले बोला था सेम प्रोसेस यहाँ पर जो कि यहाँ पर दिया गया है। आप सभी को बता दूँ नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड रहता है आपका अकाउंट वेरीफिकेशन किया जाता है किसी भी बैंक में, अगर आपका अकाउंट है तो वहाँ से क्विकली लोन मिल जाता है। गाइज यहाँ पर बता दूँ किसी तरह का पेमेंट बैंक नहीं होना चाहिए ताकि किसी तरह का प्राइवेट या सरकारी किसी तरह बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो वहाँ से अप्लाई करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको नेट बैंकिंग और या डेबिट कार्ड का डिटेल देंगे, वह अकाउंट वेरिफिकेशन होगा, इंस्टेंटली या पैसा अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता। बताया जाता है कि 24 घंटे चाहिए जो कि वर्किंग टाइम चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, आप सभी को इंस्टेंटली लोन मिल जाता है। यहाँ से सारा कुछ सर्विस बिल वगैरह पेमेंट भी कर सकते हैं, बिजली बिल जमा करते हैं तो 10% के हिसाब से आपको कैशबैक भी मिलता है। ठीक है, ताकि आपको नेक्स्ट बिल में जो भी कैशबैक होता है माइनस हो जाता है। तो भारत पे से आसानी तरह से लोन ले सकते हैं, यहाँ से जो भी कुछ सर्विस होता है और बड़ी आसानी से आप सभी को सारा कुछ सर्विस प्रोवाइड कराया जाता है। भारत पे बहुत ही बेस्ट एप्लीकेशन है, RBI से रजिस्टर्ड है और आपको पैन कार्ड आधार कार्ड ही लगाना है और किसी तरह का बिजली बिल नहीं, इनकम प्रूफ और किसी तरह का लोन नहीं, आपको लोन लेने के लिए किसी तरह का और डॉक्यूमेंट नहीं लगाना है। और नए यूजर हैं तो आप सभी को स्टार्टिंग में इतना दिया जाएगा, टाइमली रीपेमेंट करते हैं तो फ्यूचर में आप सभी को पूरे 7 लाख तक की लोन यहाँ से मिल जाएगा भारत पे की मदद से। तो आप सभी को अच्छे से व्यवहार रखना है, भारत पे से लोन लेना है तो ताकि आपको फ्यूचर में किसी तरह का बड़ा लोन चाहिए, 2-3 लाख की लोन अमाउंट चाहिए तो बिना घर आए आपको आसानी से यहाँ से भारत पे से लोन मिलेगा। आपको एक कॉल आएगा वेरिफिकेशन के लिए, जब लोन अप्लाई हो जाएगा, लोन अप्रूवल हो जाएगा तो वेरिफिकेशन के लिए कॉल आएगा तो आप बता देंगे, जो भी आपने डाले रहेंगे उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, जब भी आपको कॉल आए तो वही चीज़ वेरिफिकेशन के लिए आएगा, आप बता दीजिएगा ताकि आप सभी को दिख रहा होगा। जो कि जो भी वेरिफिकेशन होता है उसके बाद आपके अकाउंट इंस्टेंटली जो कि भेज दिया जाता है, अकाउंट में जो भी पैसा होता है, लोन अमाउंट होता है, भेज दिया जाता है। 2% के हिसाब से प्रोसेसिंग फी यहाँ पर लगता है, यहाँ पर जो कि दिख रहा होगा। और 9800 रुपया मेरे अकाउंट में जो कि ट्रांसफ़र किया गया, 6 महीने के लिए मुझे टाइमिंग दिया गया इसे पैसे को जो कि पेमेंट करने के लिए, जो कि 73 रुपया पर डे मुझे पेमेंट करना है। EDI जो कि लगा हुआ है प्रत्येक दिन के हिसाब से, डेली बेसिस के हिसाब से मुझे पेमेंट करना है। तो गाइज भारत पे बहुत ही बेस्ट लोन एप्लीकेशन है, बहुत ही ज़्यादा सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड करती है और इंस्टेंटली सारा कुछ आप सभी को यहाँ पर मिलता है और बड़ी आसानी से आप सभी को, बहुत ही बड़ा एप्लीकेशन है तो आप सभी को अच्छा व्यवहार रखना है। तो गाइज मेरा यह इन्फॉर्मेशन आप सभी को कैसा लगा, भारत पे के बारे में जो भी मैं आप सभी को जानकारी दिया, कमेंट सेक्शन आकर बताइएगा, डाउट हो फिर बताइएगा, क्योंकि भारत पे बहुत ही बेस्ट एप्लीकेशन है। तो सो गाइज इस वीडियो को लास्ट तक आप सभी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कर एक बार जरूर बता दीजिएगा। ठीक है।